के बाद, लेकिन बात वही हो रही थी 72 हूरों की, और बात वही चल रही थी फिल्म को ही आ रही है। अब फिल्म क्योंकि देखी नहीं तो क्या कहा जाए कि क्या होगा उसमें, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कुछ जो है वो पब्लिसिटी लेने के लिए इस किस्म का टाइटल रखा गया है, या वाकई में कोई मैसेज होगा इस फिल्म में? नहीं, टीजर भी मैंने देखा है और काफी जितनी भी प्रोमो और इसके जितनी भी जो जो जगह पर आए हैं वो सब मैंने देखा है। इवन सेंसर बोर्ड से ये मूवी पास हुई है, लोग इसको देखने के लिए बहुत इंक्विजिटिव हैं कि हमको देखना है। और जितनी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं और जितनी भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और इस मूवीज के बारे में मैं जितना जानती हूँ, जैसे द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी एक मैसेज था, एक अवेयरनेस था, उसी तरीके से 72 हूर भी एक अवेयरनेस है। इसमें किसी भी धर्म को, रिलीजन को डिफेम करने की या उनको हर्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। बस एक 72 हूर, वर्जिन हूर के लालच में जो लोग टेररिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत हरकतों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या गलत चीजों पर वो चल राह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली ये एक इल्यूजन है, ये एक लालच दिया जाता है जो लोग भी देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको 72 हूर मिल जाएगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब अजमल खसब का स्टेटमेंट लिया गया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको ये बताया गया था कि अगर तुम जाओ हिंदुस्तान जाओगे और धम 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 मासूमों की जान लेना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। और कई मूवीज में भी हमने इन 72 हूरों के बारे में सुना है। इवन आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी ने भी आपको तो सरदार नहीं ही बना दिया था 72 हूरों की। तो ऐसी चीजें हमारे मुल्ला मौलवियों ने फैलाया है, बिल्कुल फैलाया है, और जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स होते हैं ना, और यंगस्टर्स क्योंकि हॉर्मोनल का एक टाइम होता है जो काफी तेजी में काम करता है, तो वो यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं। और वो लोग कभी बदन में बम लगाना या कभी हिंदू लड़की से शादी करके उसको फोर्सिबली उसको मुसलमान बनाना, तो ये सारे हरकतें करते हैं, या कन्वर्शन कराना, अलग जिहाद करना, या मदरसे के अंदर बच्चे और बच्चियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना, या गेमिंग ऐप के जरिया उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ा देना। तो ये सारी चीजें, जो क्राइम जो चल रहा है वो ये मूवी में ये बताया गया है कि एक्चुअली में ये वर्जिन 72 हूर कुछ नहीं है। आपको ऊपर में कोई अंगूर बताशा और शराब का चश्मा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, और ना ही 135 फुट की खूबसूरत 72 हूर मिलने वाली है। तो बराए मेहरबानी आप इस वर्जिन हूर के लालच में धरती के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट्स इट, दिस इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस। जैसे हम लीगल किसी टॉपिक को लेकर के अवेयरनेस की का सेमिनार करते हैं, या हम एनवायरमेंट को लेकर के सेमिनार करते हैं, या गो ग्रीन का प्लांट्स को लेकर के सेमिनार करते हैं, तो वो एक अवेयरनेस होता है। मेडिकल को लेकर के हम सेमिनार करते हैं तो वो एक अवेयरनेस होता है। तो एकदम एग्जैक्टली अवेयरनेस है जिसको बड़े पर्दे पर पिक्चर की तरह दिखाया गया है कि भाई ऐसा ऐसा है, आप इस लालच में आकर के अपने बदन पर बम और गोली मत बांध करके आप आतंकवादी बन जाओ। दिस इज द थिंग एक्चुअली थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है बहुत लोगों को इससे मिसगाइड किया जाता है और बहुत ये बातें बताई जाती हैं। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट ही हैं, तो हम लोग कुछ टाइम पहले मिले, बातें बातें कर रहे थे, तो ये हूरों वाली बात निकली। तो उन्होंने कहा जो कहा जाता है कि शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी, और इस तरह से शराब की नहर होगी, तो उन्होंने कहा कि उसमें मोमिन नहाएंगे, तो कहते हैं अगर उसमें नहा के निकलेंगे तो हूरें तो नहीं मिलेंगी, हाँ मक्खियां बहुत बैठेंगी। तो वो मुझे उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। बाकी सोचे पूरे में मक्खियां ही मक्खियां बैठी होंगी, तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे कि वो उस नहर में भी नहाया जाएगा और फिर हूरें मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि हूरें आसपास भी पटकेंगी अगर हुई भी कोई। मैं तो आरजूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा, तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? 135 फुट की औरत और 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का बहुत ज्यादा, तो 6 फुट का मर्द, ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले
ये बुद्धि जो भ्रष्ट होकर के बैठा दिया गया है, थोड़ी सी अगर माता बुद्धि लगा ले तो यहीं पर बात क्लियर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है या एक समझ लीजिए कि धोखा देने के लिए, और खास तौर पे छोटी उम्र के बच्चों को जो ये बहुत ज्यादा बहकाते हैं मदरसों वगैरह में, वहां के लिए ज्यादा ये चीजें चलती हैं, जो बहुत कंट्रोल करने की और इस तरह की बातें करने की। और बल्कि जो आप जैसे कह रही थी कि सेमिनार्स और ये सब कुछ भी होने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस हो। लेकिन साथ साथ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बड़ा चर्चा है आजकल इंडिया में, तो वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है? और बहुत सी चीजें मुसलमान जो है बड़े एतराज कर रहे हैं कि जी हमारी चीजों के अंदर जो है दखल दिया जा रहा है। देखिए भाई, मुसलमानों को किस चीज में एतराज नहीं है, हर एक चीज में एतराज है। हमने बिंदी लगा ली तो हम तो मुसलमान नाराज, हमने जीन्स पहन लिया तो मुसलमान नाराज, हमने पढ़ाई कर लिया तो मुसलमान नाराज। तो उनको हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करने का जैसे जन्मसिद्ध अधिकार मिल गया है। कई मुल्लों से तो मैंने मांग लिया है कि भैया तुमको अल्लाह ने कोई चिट्ठी अगर लिख के भेजी है कि धरती पर जाने के बाद तुमको मुसलमान महिलाओं को डिप्राइव करने और इंसल्ट करने का ही काम है, तो वो चिट्ठी दिखा दो कम से कम, हम भी मान लेंगे कि भाई तुम अल्लाह के भेजे हुए हो औरतों को डिप्राइव करने के लिए। देखिए अर्जुदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नया नहीं है, आपका 1948 का है, जिसमें आर्टिकल 44 में बता दिया गया था, हमारे संविधान में बता दिया गया था कि कॉमन लॉ आएगा। कई ऐसे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, 1995 में आए, उसके बाद 1984 में आया, 1987 में आया, 1999 में आया, तो ऐसे कई केसेस आए, ऐसे कई सर्कमस्टांसेस आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिसमें सबको एक बराबर देखा जा सके। कभी कहीं पर शरिया लॉ खोलो, कहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंटरफेयर हो जाता है, तो ये सारी चीजों को बंद करने के लिए एक लॉ की बात हुई थी। देखिए आर्टिकल 44 ये इन सारी चीजों को संविधान में पहले ही बता चुका है। अब मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि इन्होंने चार शादी करनी होती है, इन्होंने 11-12 साल की लड़की जिसका पीरियड्स हो जाता है, इनका शरिया लॉ बोलता है कि भाई इसका निकाह हो सकता है। अब हमारे हिंदुस्तान में उसको पॉक्सो एक्ट में देखा जाता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में अगर या संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए या इंडियन पिनल कोड के हिसाब से देखा जाए, तो अगर कोई हिंदू एक से दूसरी शादी कर लेता है तो उसको जो है सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा हो जाती है। जो जो मर्द अगर कोई दूसरे कास्ट और क्रीड का मर्द अगर माइनर बच्चियों उसके साथ सेक्स कर लेता है तो उसको लाइफ टाइम कन्वर्शन का उसको पनिशमेंट मिल जाता है। तो एक ही धरती पर रहने वाले में एक आदमी शरिया लॉ का मजा लेगा और एक आदमी बेचारा पनिशमेंट सहेगा, दिस इज नॉट गुड ना, दिस इज अ काइंड ऑफ बुलशिट। सेकेंड थिंग इज के ये जो इनका तरीका है ना ट्विस्ट एंड टर्न करने का, ये जो इनका तरीका है मेंढक की तरह फुदकने का मुसलमानों का, कभी फुदक करके हम शरिया लॉ पे चले जाएंगे, कभी फुदक करके हम चले आएंगे कानून पर और संविधान पर। देखिए हमारा हमारा इस्लाम या शरिया लॉ बलात्कारियों के लिए जो सजा दिया है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो जब जब मुसलमान बलात्कार करता है तब ये क्यों नहीं फतवा जारी करते और ये क्यों नहीं खुतबा में बोलते और क्यों नहीं उनका उनका औजार काट देते हैं भरी महफिल में खड़ा करके, एक पंचायती बिठा करके? क्योंकि शरिया लॉ तो भाई जना को बहुत बहुत गंदा देखा है ना, कुरान ने तो जना को बहुत बदनजर से देखा है। तब तो ये कहते हैं, तब तो ये जल्दी से ट्विस्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में बेल का प्रावधान है, इनको पता है कि 10 साल 8 साल के बाद छूट करके आ जाएगा, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई में चले जाते हैं। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ शरिया लॉ में या इस्लामिक लॉ में आरजूदी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई किसी लड़की का तलाक होता है तो इद्दत से लेकर के उस लड़की का निकाह जब तक दूसरे घर में ना हो जाए खर्च जो है उस हस्बैंड को उठाना पड़ेगा। अब ये शरिया लॉ यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि नहीं नहीं तुम 125 सेक्शन फाइल करो। क्यों करो? क्योंकि 2 साल लगेगा, फिर रो पीट करके कोर्ट के सामने 1500 पे उसको नकी कर देगा, फिर या तो फिर बहुत सारा जमात बैठ जाएगा दाढ़ी और टोपी पहन करके और कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं दे पाएगा, बच्चा भी लड़की के गोद में डाल दिया जाएगा। तो ये जो ये अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से शरिया लॉ और संविधान और कानून पे कूद फांद करते हैं, इसका तो बंद होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन इज आरजूदी
कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ये कॉमन लॉ है, मतलब सब सब धर्मों के लिए आ रहा है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए नहीं आ रहा है। पर आप देखो, आप जितना भी न्यूज देखो या जितने भी आर्टिकल्स पढ़ो, इसमें क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम, मुसलमानों को प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत सारी कुरनीति और दुर्नीति आजूदी हिंदुओं ने भी अपने में बहुत बेटर किया। चाइल्ड मैरिज एक्ट को उन्होंने खत्म किया, सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, डाउरी एक्ट उन्होंने बिल्कुल फोर्सिबली लाया, उसके बाद विडो एक्ट आया कि भाई अब बेवाएं भी शादी कर सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं में भी गलत थी, जिसको मॉडिफाई किया गया, तो उन्होंने तो इस तरीके से नंगा नाच तो इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि मॉडिफाई नहीं करना चाहते या उसके ऊपर सवाल भी करना मना है किसी बात के ऊपर। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं इस वक्त इंडिया में स्पेशली, तो आपके ख्याल से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इलेक्शन से पहले सब कुछ हो रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है बीजेपी के गवर्नमेंट को कि मुस्लिम वोट्स भी तो चाहिए होते हैं? तो अब वो अपोजिशन जो है वो जाहिर है कांग्रेस हमेशा से एक देखा गया, बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ी पसंद की जाती है, वो कहते थे वो मुस्लिम्स के साथ खड़े और ये मुस्लिम्स के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तकरीबन हर इस्लामिक कंट्री ने जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिए, पाकिस्तान को छोड़ के हम भी दे देंगे, अभी हम सोच रहे हैं। तो जब हमें कुछ फायदा नजर आएगा तो हम सबसे आगे बढ़ के दे देंगे। लेकिन कुछ इसका कनेक्शन आपको लगता है नाजिया के इसके साथ है, इलेक्शन के साथ है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। इवन मैं कई ऐसे केसेस के एग्जांपल्स दे सकती हूँ, या मैंने जो अभी एग्जांपल्स दिए हैं कि इतने इतने ईयर में बहुत सारे केसेस आए थे, तब बीजेपी की सरकार थी भी। द सेकेंड थिंग इज अर्जुदी, मैं बहुत क्लियर करके बता देना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए कि अभी जो 9 साल से मोदी जी की सरकार यहाँ पर है, इसको पॉलिटिक्स और कानून को बिल्कुल अलग करके रखा गया है, एकदम अलग। पॉलिटिक्स से कानून का और उसके वर्डिक्ट का, उसके जजमेंट का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई रिश्ता और नाता नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको उसको कानूनी कार्रवाई से ही के ही नजरों से देखा जाएगा, उसको पॉलिटिकल नजरों से देखा ही नहीं जाएगा। अभी देखिए, 1984 में ट्रिपल तलाक का पहला पिटीशन फाइल हुआ था, तब तो मोदी जी की सरकार नहीं थी। 2016 में मेरा पिटीशन फाइल हुआ था, मैं वेस्ट बंगाल से 100 औरतों से ज्यादा मैं लेकर गई थी, और 2017 में बेंचमार्क वर्डिक्ट आया था। 1948 में ही कॉमन लॉ की बात कर दी गई थी। तो ये जो सिनेरियोस मैं आपको बता रही हूँ, या 1995 में क्रिश्चियन ने फॉस्टर पेरेंट्स के लिए एक PIL फाइल किया था, तब भी मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो इसमें पॉलिटिक्स और कानून एकदम दो अलग चीजें हैं। अब आपने एक और सवाल कर किया है कि मुसलमान जो है वो आपके पाकिस्तान में ही ज्यादा हवा बनाया जाता है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत डिप्राइव हैं। यहाँ पर मुसलमानों ने इतनी हटगर्मी मचा करके रखी है, अभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से करते करते वक्त ही मैंने पहले में ही बोल दिया है कि कन्वर्शन के नाम पर यहाँ पर इतनी हटगर्मियां हैं, इतनी यहाँ पर दिलेरी मचा करके रखी है कि कानूनी तरीके से अगर इनको धरपकड़ ना किया जाए तो हमारे हिंदुस्तान की हर मुस्लिम गलियों में एक अजमल कसब मिल जाएगा। पाकिस्तान को कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां से भेजना पड़ेगा। अगर कानून सख्त ना होता तो ये मुसलमान जो है ना लुंगे उठा करके नाचना स्टार्ट कर देते। आखिर क्या ऐसा मसला है अर्जुदी कि एक शहनवाज को, दिल्ली के एक शहनवाज को गेमिंग ऐप के जरिया हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में मध्य प्रदेश में स्कूल के अंदर बच्चियों को मार पीट करके हिजाब पहनाना पड़ा और उनको इस्लामिक किताबें पढ़ानी पड़ी, उनको असल्ट किया है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं, लव जिहाद जैसी चीजें सामने आ रही, वो तो लव जिहाद एक्ट आ गया। तो हर चीज पर कानून ला करके इन मुसलमानों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। आप सोचो कि इन्होंने यूपी में जाकर के मंदिर में 50 लोगों ने नमाज पढ़ डाली। अब पाकिस्तान में खुआ बना, एक तो जब ये बिल्लो रानी आया था वो जाकर के एनाकोंडा की तरह जहर उबलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपके शहबाज शरीफ बैठ गए,
वो वीडियो मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में। आपको रोकूंगी, एक सेकंड के लिए रोकूंगी नाजिया, बिल्कुल आप एतराज कर सकती हैं अगर कोई बात आपको फॉरेन मिनिस्टर की अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप उनका नाम नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं भी किसी भी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन का नाम नहीं बिगाड़ती हूँ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो उनका नाम है वही लीजिए। ये जो आप कह रही हैं बिल्लो रानी, ये शेख रशीद साहब ने रखा था और हम उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं करते इस बात के लिए, लेकिन हाँ अगर उनकी बात आपको स्टेटमेंट सही नहीं लगा, यू कैन से दैट, नो नो इश्यू एट ऑल। जी तब तो फिर मैं फॉरेनर, फॉरेन मिनिस्टर ही बोलूंगी, क्योंकि श्योर, उसके नाम, डेफिनेटली। उसका नाम मुझे वही याद ही रहता है, उसका ओरिजिनल नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता है। तो उन्होंने भी जा करके यहाँ पर गोवा में सैर सपाटा किया और जा करके मुसलमान डिप्राइव है। अरे भैया, यहाँ आपके, उनके पाकिस्तान या आपके पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में मुसलमानों की, ये मानने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, इतने पॉपुलेशन है। और जो चुनिंदा, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या जो मदरसे के अंदर जो ये सारे खुराफात करवा रहे हैं या जो क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो यहाँ यहाँ के कानून को तो इतनी इतनी अथॉरिटी है ना कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई, मुसलमान मर्द अगर पार्क स्ट्रीट जैसे एरिया में दो मुसलमान भाई, नासिर खान और कादिर खान, अगर बलात्कार करता है तो क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या उसको बिल्कुल जेल होनी नहीं करना चाहिए। होता है? अब अगर कर देते हैं तो हाई इस्लाम, हाई इस्लाम, हाई इस्लाम, मेरा इस्लाम खतरे में। तो ये सारे हथकंडे और ये सारे ड्रामेटिक जो चीजें हैं, ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जो भी क्राइम है उसकी सजा जेल है। नहीं बिल्कुल, जो जो बात है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है तो ऑब्वियसली वो जिस किस्म की न्यूज़ इधर उधर से आती है उसको लेकर, और एक तरीका भी है कि चाहे जितना मर्जी कुछ अच्छा हो रहा हो लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव ही जाता है। इस चीज को मैं भी कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक चीज लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने एक क्लिप लगाया था आपके किसी शो का था, और आप उसमें ये बता रही थी कि जो हिंदू लड़के हैं वो मुस्लिम लड़कियों को अप्रोच नहीं करते। तो मैंने वहां कहा था कि नहीं, आप गलत कह रही, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से एग्जाम्पल्स सामने हैं पहले की भी और अभी की भी, जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने शादी की है या दोस्तियां हैं उनकी हिंदू लड़कों से। और वैसे भी जहां पर 85% हिंदू हो, वहां पर अगर किसी मुस्लिम लड़की की दोस्ती हो जाती है तो कोई मेरे ख्याल हैरत की बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर अमेरिका और कनाडा या यूरोप जाकर हमारे लोग जो हैं वो वहां की लड़कियों के साथ दोस्ती हो सकती है, शादी हो सकती है, तो अगर हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं तो मुस्लिम लड़कियों की क्यों नहीं हो सकती? तो वो आपने बात क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर नेकत नहीं, अब्बास हैं, सुबूही खान हैं, और कई लोग, इवन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरी मदर की फर्स्ट कजन की शादी जो है वो, उनके हस्बैंड जो है वो हिंदू हैं, तो मैंने तो देखा है अपनी फैमिली में देखा है। सो पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये बात कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे आपकी बात अजीब लगी। मैंने मैंने कंटेंट साफ तरीके से लिखा था, और मैंने, शायद आपने वो पूरी वीडियो नहीं देखी है, क्लिपिंग लगाई गई है। मैंने साफ लफ्जों में कहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम मर्द, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसा करके, ट्रैप करके उनसे शादी करते हैं या सेक्सुअली यूज करते हैं, और फिर उनको धर्म परिवर्तन फोर्सिबली करवाते हैं, फिर उस हिंदू लड़की के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको भी मुसलमान बनाते हैं, ये जो आ, आ, कुप्रथा है, ये जो दुर्नीति है, ये हिंदू लड़कों में, सनातनी भाइयों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जब मैं क्या, कोई भी मुसलमान लड़की या कोई भी धर्म की लड़की, जब हम लोग हमेशा गैदरिंग में, क्योंकि आपने खुद अग्री किया है कि यहाँ पर 85% से ज्यादा हिंदूज हैं, तो डेफिनेटली जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हिंदुओं से ज्यादा मुलाकात होती है, या किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में जाते हैं या किसी भी सेमिनार्स में जाते हैं, तब हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, या बदन पे दुपट्टा नहीं रखा है, या अपनी छाती नहीं ढकी दुपट्टे से। लेकिन अगर एक मौलाना से या एक मुसलमान से मिल लो तो वो हमें ये याद दिला देता है कि मेरी छाती पे दुपट्टा है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस मौलवी और मुल्ला और मुसलमान मर्द की नजर जो है वो डायरेक्ट मेरी छाती पे ही जाती है, मेरी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी क्वालिफिकेशन पर, मेरी पॉजिटिविटी पर नहीं जाती है।
तो मैं ये बताने की कोशिश वहां पर करी हूँ कि हिंदुओं की नजरें जो होती हैं वो बहुत साफ और शफाफ होती हैं, और अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन परसेंटेजेस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत रेयर है, तो उनको ये फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना है और हिंदू बन जाना है। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने पटना में एक हिंदू डॉक्टर से शादी की थी। आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वो लड़की मुसलमान थी, मेरी फ्रेंड थी, और उसने पटना के एक डॉक्टर से शादी की थी जो हिंदू थे, प्रसाद फैमिली के थे, और वहां पर आपको मैं बता रही हूँ कि वो लोग पेट पालते थे, कुत्ते पालते थे। तो जिस रूम में वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, उस रूम में वो उनकी सास जो है, मेरी फ्रेंड की सास, वो डॉग नहीं जाने देती थी कि नहीं मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है, तुम डॉग नहीं एंटर करवाना। जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे, और ये मेरे अपने आंखों का देखा हुआ है, जो ड्राइवर और सर्वेंट होते थे वो जूता पहन करके, क्योंकि काफी बड़ा आलिशान घर था, तो नहीं नहीं तुम लोग जूता पहन कर मत जाना क्योंकि मेरी बहू जो है वो नमाज पढ़ती है। पूरे रमजान में उन लोगों ने जो एहतराम और जो इज्जत दिया है, मैं मतलब मेरी आंखों में पानी आ गया था कि काश आई विश हमारे मुस्लिम मर्द इतना एहतराम देते कि मात्र एक मुसलमान लड़की रोजा रख रही है और कम से कम 50 तरीके का खाना और पूरा पूरा दस्तरखान बिछ रहा है, बजाफते सब्जी मार्केट से दस्तरखान खरीद के लाया गया डाइनिंग टेबल होते हुए भी, तो दिस इज कॉल्ड हिंदू फैमिली। बिल्कुल नहीं, ऐसी एग्जांपल्स बिल्कुल हैं और होनी भी चाहिए, और हमें मेरे ख्याल है शेयर भी करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि बहुत से अच्छे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। मुस्लिम जो थी ना अरसुति, वो आप बहुत छोटी सी थी, और मुझे बाद में ये फील हुआ कि ये पूरी क्लिपिंग मुझे डालनी चाहिए थी, क्योंकि शायद कुछ लोग आधा अधूरा समझे हैं, ये मुझे पूरी क्लिपिंग डालनी चाहिए थी। जिस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत नॉर्मली मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं, ये जो नेचर